पाथरडी सुदामडी मेन कॉलोनी स्थित मोहिनी क्लब परिसर में गुरुवार को विहंगम योग संत समाज सुदामडी की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि ईजे एरिया के महाप्रबंधक एसएस दास, पीओ अनिल कुमार, कोलियरी मैनेजर डीके सिन्हा, पूर्व जीएम आरबी कुमार मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान समाज की ओर से पूर्व पार्षद चंदन महतो एवं भाजपा नेता जोगिंदर यादव को अंग वस्त्र व बूके देकर सम्मानित किया गया तथा कार्यक्रम की शुरुआत की गई। सर्वप्रथम रक्तदान की शुरुआत जोड़ा पोखर मंडल के भाजपा कार्यकर्ता श्रवण पंडित से की गई। वहीं ईजे एरिया के महाप्रबंधक एसएस दास ने कहा कि बहुत सराहनीय कार्य किया जा रहा है। समाज के बीपी सुमन ने कहा कि हमारा समाज गरीबों के उत्थान के लिए एवं आम लोगों के लिए बहुत से सामाजिक कार्य किए हैं, जैसे गरीबों के बच्चों के बीच कपड़ा एवं पाठ्य सामग्री का वितरण एवं रक्तदान शिविर जैसे अनेक सराहनीय कार्य किए गए। ये संस्था का नाम है महर्षि सदा फल देव विहंगम योग संस्था, जिसका मुख्यालय प्रयाग में। ये संस्था वास्तव में एक आध्यात्मिक संस्था है, जो हमारी पुरानी संस्कृति, हमारा पुरातन सनातन ज्ञान और भारतीय दर्शन का ये रीढ़ है, जिसको हमारे स्वामी जी सदा फलदेव जी महाराज ने 17 साल की तपस्या करके इस गुप्त ज्ञान को पुनः प्रकट किया। यही ज्ञान है जिसको भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था कुरुक्षेत्र में। ये ज्ञान गुप्त होता है और पुनः प्रकट होता है। हम लोगों का सौभाग्य है कि ये ज्ञान प्रकट है और इस ज्ञान का लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति। यही इस ज्ञान का लक्ष्य है। इस ज्ञान के साथ साथ हमारी संस्थाएं सोशल वेलफेयर में बहुत सारे प्रकार के जो की कार्य कर रहा है, जैसे आज जैसे ब्लड डोनेशन है, तो इस संस्थान के जो उत्तराधिकारी के रूप में हैं परम पूज्य संत विज्ञान देव जी महाराज, उनकी जन्म जयंती, उसको रक्तदान शिविर के रूप में मनाते हैं। नॉट ओनली कि केवल यहाँ झारखंड और भारत, संपूर्ण विश्व में आज रक्तदान शिविर चल रहा है। उद्देश्य है जीवात्माओं का कल्याण। इसी तरह पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए वृक्षारोपण का काम चलता है। बहुत सारे प्रकल्प हैं, जैसे फ्री में नेचुरोपैथी द्वारा जो रोगी हैं उनको आरोग्य बनाना, वस्त्र वितरण है, ट्राईसाइकिल वितरण है, बृहद भंडारा है, ये सब सारे कार्य चल रहे हैं। ये केदारनाथ जो बाढ़ आया था 3-4 साल पहले, कम्युनिकेशन के लिए गोद लिया।